अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हाफिज़ उबैद और मैं आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मैथड के ऊपर डिस्कस किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मैथड्स के बारे में हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाकर रखे हैं, अगर इन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में स्टोर कर ले तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो चाहे आप मैट्रिक लेवल के हैं, एफएससी लेवल के हैं या किसी भी लेवल के आप हैं, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अप्लाई करेंगे तो इन कंडीशंस को, इन पॉइंट्स को आप माइंड में रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये पॉइंट हमारे पास मेथड भी है, यानी ये 5 स्टेप्स भी हैं और ये 5 कंडीशंस भी हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है या फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अदर देन 1 देन इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय दैट नंबर। यानी अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहां दरमियान में लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा जो भी कोएफिशिएंट होगा, आपने क्या करना है, होल इक्वेशन पे उसे डिवाइड करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, जब आप डिवाइड कर लें, आपका कोएफिशिएंट एक्स का 1 बन जाए, तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो सेकंड स्टेप या सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म इज शिफ्टेड टू द राइट साइड। एक्स वाई जी के अलावा जितने भी कांस्टेंट आते हैं वो लिटरल भी हो सकते हैं, ए बी सी डी अप टू डब्ल्यू तक लिटरल भी हो सकते हैं, और वो कोई भी फिक्स वैल्यू भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। तो उन कांस्टेंट वैल्यू को या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। थर्ड स्टेप ये हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज एडेड ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या करना होता है कि एक्स, पहले बात की हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर एक्स स्क्वायर की बात की, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट के अंदर एक्स की। तो एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे आप ऐड करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन पे हम जब एडिशनल स्टेप अप्लाई करते हैं तो उसको बैलेंस रखने के लिए जितना लेफ्ट साइड पे हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड पे भी उतना ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से हम यहां पे लिख रहे हैं द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज एडेड ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे आपने एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है। उसके बाद फोर पॉइंट में हम आ जाते हैं। फोर पॉइंट में हमारे पास है लेफ्ट साइड इज एक्सप्रेस्ड, यानी रिटन आपने उसको लिखना है एज अ कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कंप्लीट एक स्क्वायर बनाकर लिखना है। हमें पता है कि जब भी हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाने लगते हैं तो हमारे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस माइनस के साथ 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अगर ये 3 टर्म्स हमारे पास कंप्लीट है तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर कि किस तरीके से हम इन 3 टर्म्स को कंप्लीट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। लास्ट और फाइनली स्टेप हमारा ये होता है, जब आपका लेफ्ट साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। और स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट जब भी अप्लाई किया जाता है राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है, जिससे आपकी 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। उन पॉसिबिलिटीज को आप अलग-अलग सॉल्व करें, प्लस के साथ अलग से, माइनस के साथ अलग से सॉल्व करके, इस तरीके से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे और उन रूट्स को आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखिएगा तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास कुछ
पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, कंडीशंस हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से अपने माइंड में स्टोर कर लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मुश्किल नहीं होगा। और मोस्टली ये क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपका आता है। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पेयरिंग होती है ए पार्ट बी पार्ट। ए पार्ट में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन देता है, और उसमें हम देखते हैं कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट पार्ट, 7x² + 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0। पहले दो क्वेश्चंस के अंदर भी मैं यही डिस्कस करता रहा हूं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को, अपने क्वेश्चन को वैल्यूएट करके सिंप्लीफाई करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जिस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वहां से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, अदरवाइज आपको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, उसको सॉल्व करना है। तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं फिर से एक दफा आपको याद दिलाता चलूं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा जो भी होगा आपने क्या करना है उस इक्वेशन पर डिवाइड करना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 आ रहा है, तो यहां पर एक छोटी सी हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, डिवाइडिंग बाय 7, 7 को आप ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आप डिवाइड कर दें, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x - 1/7 इज इक्वल टू 0/7। अब 0/7 या 0/something 0 के इक्वल होता है, इस वजह से हम इसको डायरेक्टली यहां पे 0 लिख देते हैं ताकि हमारा एक स्टेप भी बच जाए। नेक्स्ट स्टेप ये था, या सेकंड कंडीशन, सेकंड पॉइंट ये था कि कॉन्स्टेंट टर्म विल बी शिफ्टेड ऑन राइट साइड। आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x Which is equal to 1/7। ये हमारे पास constant टर्म है। 1/7 क्या है? Constant है। हमने इसे right side पे shift किया। Third condition या third step हमारे पास क्या था कि x के coefficient को लेना है अपने और उसके half का square दोनों side पे add करना है। अक्सर स्टूडेंट इसी point के अंदर बहुत ज्यादा confused रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको easily कैसे calculate कर सकते हैं। आपने छोटी सी रफ वर्किंग करनी है कि आपने 2/7 को थोड़ा सा साइड पे रफ वर्क के तौर पर लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/2 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करना 1/2, किसी भी नंबर का हाफ लेने का ये एक मेथड है कि आप 2/7 ले, एक्स का कोएफिशिएंट ले और उसको मल्टीप्लाई कर दे 1/2 के साथ, और फिर देखें इसमें कोई कैंसिलेशन अगर होती है तो कैंसिलेशन कर दे। अब रिमेनिंग नंबर हमारे पास आ रहा है 1/7, इसी 1/7 के स्क्वायर को आपने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो यहां पे भी एक छोटी सी स्टेटमेंट चले लिख देते हैं, एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/7। ये ऑलरेडी हमारे पास राइट साइड पे लिखा हुआ था 1/7 होल स्क्वायर, ये हमने बाद में ऐड किया। तो आप देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन की लेफ्ट साइड की 2 टर्म्स और राइट साइड की सिंगल टर्म एज इट इज है। हमने एडिशनली क्या किया, 1/7 को लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और राइट साइड पे भी ऐड किया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 3 टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं, ए स्क्वायर प्लस या माइनस के साथ 2ab और प्लस बी स्क्वायर। जब भी इस फॉर्म में हमारे पास 3 टर्म्स आती है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस या माइनस के साथ बी होल स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए ये कैसे होल स्क्वायर बन रहा है, मैं इस क्वेश्चन के अंदर इस स्टेप को एडिशनली कर देता हूं, अदरवाइज आप कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्टली आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट कीजिएगा। वो स्टेप ये है, आप यहां पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखें प्लस 2 और 2 ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ दें, यहां हर क्वेश्चन के लिए 2 ब्रैकेट आपने क्या करनी, एम्प्टी छोड़नी है। और नेक्स्ट हमारे पास है 1/7 का होल स्क्वायर। अब x का स्क्वायर भी आपके सामने क्लियर है, 1/7 का परफेक्ट स्क्वायर, इनमें कोई चेंजिंग नहीं मैंने की। मैंने सिर्फ ये किया है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको मैंने प्लस 2 लिख के 2 ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ी है। इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर वो नंबर्स आएंगे जिनसे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जिनसे ये कंप्लीट फॉर्मूले की फॉर्मेशन बनेगी। यहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, वो लिखे, यहां से सेकेंड टर्म क्या है, 1/7। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास वापस वही 2/7
एक्स ये हमारे पास वापस टर्म आ जाएगी। तो आप देखिए जरा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में ये आ चुका हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन ओवर सेवन होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कुछ बातें आपने याद रखनी है। पहली बात कि आपने स्क्वायर क्लोज करते हुए सिर्फ स्क्वायर की टर्म्स को लेना है, सिर्फ स्क्वायर की टर्म्स को लेना है, यानी उसकी बेस को लेना है। यहां पे बेस एक्स आ रही है, यहां पे बेस वन ओवर सेवन आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। दूसरी बात, मिड में जो साइन होगा वो यहां से आप देखकर लगाएंगे। यहां अगर प्लस होगा आप प्लस लगा दें, यहां माइनस होगा तो मिड में माइनस लगा दें। तो इस तरीके से आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा, वन ओवर सेवन प्लस वन ओवर 49। राइट साइड की छोटी सी सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। 49 हमारे पास एलसीएम आ गया, 49 को हम 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 आंसर आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8, 8 ओवर 49 और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है लेफ्ट साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बन चुका। अब मैं आता हूं अपने लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हमने पढ़ना है कि हम स्क्वायर को कैसे रिमूव करते हैं। हम जब भी किसी स्क्वायर को रिमूव करने लगते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। इक्वेशन है बैलेंस रखने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ये हमारा फाइनल स्टेप भी है। तो हम यहां पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एक्स प्लस वन ओवर सेवन होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहां पर आ गया और राइट साइड पे मेरे पास आ रहा है 8 ओवर 49, इसका स्क्वायर रूट हमने लिया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जब भी आप इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो आपने क्या करना है, एक्स प्लस वन ओवर सेवन राइट साइड पे प्लस माइनस लगाना है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 को मैं सॉल्व करता हूं, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा जा सकता है, इसको आप फैक्टराइज करके भी लिख सकते हैं और 49 को हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 7 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस 1 ओवर 7 प्लस माइनस के साथ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7। तो यहां पे फाइनली हम एलसीएम ले लेते हैं, 7 एलसीएम आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हमारे पास आ गया फाइनली आंसर। ये जब भी यहां पे आपके पास कोई एक इरेशनल नंबर आ जाए तो आप कोशिश करें कि उसको अलहदा अलहदा सॉल्व ना करें। अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर आ जाता है, रैशनल नंबर वो होता है जो विदाउट एनी रेडिकल साइन होगा, तो वो रैशनल नंबर होगा, तो उसको आप 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन नंबर्स की ना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है ना इनकी डिविजन होती है। ये हमारे पास अगर इसको सॉल्व करेंगे एंड तक तो डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा और हमें उसकी जरूरत नहीं है। लिहाजा सॉल्यूशन सेट में आप इस आंसर को लिख दे। सॉल्यूशन सेट हमारे पास है माइनस वन प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7, ये हमारा आ गया फाइनल सॉल्यूशन। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक दफा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम मैं ज्यादा लगा रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह हम डायरेक्टली क्वेश्चन जल्दी से जल्दी परफॉर्म करते जाएंगे। तो स्टेप्स याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा जो भी होगा आपने होल इक्वेशन पे डिवाइड करनी। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, कांस्टेंट टर्म विल बी शिफ्टेड ऑन राइट साइड। उसके बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 टर्म्स आ जाएंगी, एक एक्स की होगी, एक एक्स स्क्वायर की होगी, एक एक्स की होगी। आपने क्या करना है, एक्स के कोएफिशिएंट को लेकर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो उसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, जिस तरीके से भी आ जाए, उस आंसर को आपने स्क्वायर के फॉर्म में दोनों साइड पे ऐड करना है। इस तरीके से आपके पास 3 टर्म्स बनेंगी। जब आपके पास 3 टर्म्स बनेंगी आप इस स्टेप को लिखे बगैर परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। आप यहां से इसकी बेस ले एक्स, यहां से इसकी बेस ले 1/7, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए, राइट साइड को इवेल्युएट करें 1/7, 1/7 का परफेक्ट स्क्वायर 1/49, यहां से एलसीएम लिया 49 को 7 पे डिवाइड करने से 7 आंसर आता है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8 ओवर 49।
8 ओवर 49, और चूंकि हमारा लेफ्ट साइड पे जो हमारा टारगेट था कि हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना था, हमारा स्क्वायर तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक बात हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे उसने कहा था सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब इक्वेशन के साथ सॉल्व का वर्ड आता है तो हमें फाइनली एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है या किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इस वजह से हम क्वेश्चन को यहां लाकर स्टॉप नहीं करेंगे, हम इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम स्क्वायर रूट दोनों साइड पर अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड का स्क्वायर स्क्वायर रूट से रिमूव हो जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस के साथ अगर आपके पास रैशनल नंबर बनते हैं तो आप उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाकर सॉल्व कर दें, अगर इरेशनल नंबर है तो आप उसको उसी फॉर्मेशन के अंदर आंसर में सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। सर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूएशन नहीं होती, जब आपके पास कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए तो फिर वैल्यूएशन नहीं होती, फिर फाइनल सॉल्यूशन नहीं आते, फिर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं आते, इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी हो जाते हैं। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट देखना है 1 के अलावा। यहाँ पे ए आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ए पर डिवाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली ए पर डिवाइड कर देता हूँ, देखिए फाइनल स्टेप में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट ए से हम डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। जब हम ए को ए पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देख लें, ए को ए पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा और माइनस एज इट इज आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल टू 1। 1 क्या है, कॉन्स्टेंट। मैंने क्या कहा था, कॉन्स्टेंट टर्म विल बी शिफ्टेड ऑन राइट साइड, राइट साइड पे शिफ्ट किया हमने 1 को। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x का कॉफिशियंट देखें क्या है, 4 ओवर a मल्टीप्लाई करते 1 ओवर 2 के साथ, हमेशा 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना हाफ लेने के लिए, 2 वन जो 2, 2 टू जो 4, 2 ओवर a आ गए। 2 ओवर a को हम दोनों साइड पे स्क्वायर की फॉर्म में ऐड करते हैं, ये एक स्टेटमेंट चले लिख देते हैं, जरा कंफ्यूजन नहीं होगी, 2 ओवर a होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर। तो यहां लेफ्ट साइड पे मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2 ओवर ए होल स्क्वायर, और राइट साइड पे मेरे पास आएगा 1 प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, और एलसीएम लेने से मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 4, और लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ गया एक्स प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर। आपने क्या करना है, जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो राइट साइड को सिंप्लीफाई भी करना है ताकि एक सिंगल टर्म आ जाए, हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट को अप्लाई करें तो कोई ना कोई फाइनल सॉल्यूशन भी फाइंड कर सके। अच्छा जी, स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर, यहाँ पे लिया हमने स्क्वायर रूट, राइट साइड पे ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ, यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4, और नीचे वाला सिंगल टर्म है परफेक्ट स्क्वायर में, इसको हम रेडिकल साइन के बगैर लिख सकते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास a। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट आपको बताता चलूं कि जब आपके पास स्क्वायर के टर्म्स पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, जैसे ये यहाँ पे फॉर्मेशन बन रही है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, तो इंडिविजुअल जो स्क्वायर होते हैं प्लस माइनस में लिखे गए, वो रेडिकल साइन से बाहर नहीं आते, वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आते, वो क्यूब रूट से बाहर नहीं आते। तो जैसे हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आ जाए तो हम इसको क्यूब रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, स्क्वायर के नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, और फोर्थ पावर के नंबर को फोर्थ रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास या तो परफेक्ट क्यूब हो या परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट कोई भी पावर हो जो उसके इंडेक्स में लिखी हुई है। इस वजह से इसको रेडिकल साइन में रहने देंगे, और ये परफेक्ट स्क्वायर अलग से हम लिख सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम ए को रेडिकल साइन से बाहर निकाल देते हैं। यहां पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से 2 ओवर ए को राइट साइड पे शिफ्ट किया, माइनस 2 ओवर ए प्लस माइनस के साथ ए स्क्वायर प्लस 4, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, ओवर ए, एलसीएम आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए, एलसीएम आ गया हमारे पास,
क्या जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस के रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर, ये है जी हमारा फाइनल सॉल्यूशन, और इसी को हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, माइनस टू प्लस माइनस के रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर होल डिवाइडेड बाय ए, ये है जी हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को नोट करना तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। आते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ, 11x स्क्वायर माइनस 34x ये आ गया, और है जी प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 है, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन के ऊपर, x स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11 x प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0 ओवर 11, 0 के इक्वल है इसलिए इसको 0 ही लिखा है, रहने दे। अच्छा जी, x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म विल बी शिफ्टेड ऑन राइट साइड, 34 ओवर 11 x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11 ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट लेंगे माइनस 34 ओवर 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 के साथ, कैंसिलेशन से हमारे पास आंसर आ जाएगा 17, माइनस 17 ओवर 11, इस माइनस 17 ओवर 11 को आपने स्क्वायर के फॉर्म में दोनों साइड पे ऐड करना है, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट जरूर लिख लिया करें, एडिंग माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11 x प्लस माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11 प्लस माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। हमने एडिशनली क्या स्टेप किया कि माइनस 17 ओवर 11 को लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर के फॉर्म में ऐड किया, राइट साइड पे भी स्क्वायर के फॉर्म में ऐड किया। इसके बाद क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बेस लेंगे x और माइनस 17 ओवर 11, माइनस 17 ओवर 11 इसको हम लेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, ये बन गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। राइट साइड पे हमारे पास है माइनस 3 ओवर 11 प्लस, इसको हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं 289 ओवर 121, 17 का परफेक्ट स्क्वायर 289 और 11 का स्क्वायर 121, 121 इसमें एलसीएम आएगा, 121 को 11 पे डिवाइड करेंगे 11 ही आएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 33 हो जाएगा, उसके बाद 121 को 121 पे डिवाइड करेंगे और उसको आप कोफिशिएंट ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 289 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे एक और बात आपको एलसीएम के अंदर बताता चलू, जब आप देखें कि हमारे पास एलसीएम का नंबर और डिनोमिनेटर मैच कर गए तो आपने क्या करना है, न्यूमिरेटर विल रिमेन एज, न्यूमिरेटर को एज इट इज लिख देना आपने, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो यहां से 289 में से हम 33 माइनस करते हैं, या जगह 6 या जगह मेरे पास 5 या जगह 2, तो 256 ओवर 121, ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, क्योंकि ये हमारा एंड तक सॉल्व होगा, ये हमारा रैशनल नंबर बनेगा। कैसे पता लग रहा है रैशनल नंबर बनेगा, क्योंकि 256 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी वो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है और 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से ये एक रैशनल नंबर बनेगा और इसको हम एंड तक सॉल्व करेंगे पॉसिबिलिटीज के साथ। ले जी यही से मैं इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ, यहां से हमने किया स्क्वायर रूट अप्लाई, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक्स माइनस 17 ओवर 11 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा मेरे पास 11, कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, यहां से देखें फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी अब टू पॉसिबिलिटीज आपने बनानी है। एक तो हमारे पास आ जाएगा, पहला आप काम ये कर लें कि 17 ओवर 11 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, 17 ओवर 11 पॉजिटिव वैल्यू हो गई, प्लस माइनस 16 ओवर 11 आ गया। यहां से मैं एक लाइन लगाता हूँ दरमियान में और लिखता हूँ, मुझे रिमूव करना होगा, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 प्लस, प्लस के साथ में लिखता हूं 16 ओवर 11, x इज इक्वल टू 17 ओवर 11 माइनस 16 ओवर
11। तो मैंने इसकी टू पॉसिबिलिटीज बनाई है, एक पॉसिबिलिटी मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी, एक पॉसिबिलिटी इसकी मैंने राइट साइड पे लिखी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास एलसीएम, जब ये यहाँ पे एक एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक मैं डिस्कस करता चलूँ आपके साथ डायरेक्टली, ताकि हम सोल्यूशन की तरफ जाए, कि जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर के नंबर सेम आ जाएं, तो आप क्या करें, न्यूमिनेटर को एज इट इज सॉल्व कर दें। न्यूमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं आती, इस वजह से 17 में 16 ऐड कर दें, तो ये डायरेक्टली हमारे पास बन जाएगा 33/11। और जैसे हम 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली 3। और यहां से एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म करें कि 17 में से 16 को माइनस कर दें, तो डायरेक्टली हमारे पास 1 आ गया ओवर 11। आपको किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आपको किसी किस्म के एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है हमारे पास। एलसीएम के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तीन तरह के एलसीएम होते हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया जी 1/11 एंड 3। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये पॉइंट बताया था कि जब भी आप सॉल्यूशन सेट लिखें, एक तो उसमें स्मॉल ब्रैकेट ना यूज करें, क्योंकि फिर वो ऑर्डर पेयर बन जाएगा। दूसरी बात ये कि आप हमेशा छोटी वैल्यू पहले लिखें, बड़ी वैल्यू बाद में लिखें, दूसरा पॉइंट। तीसरा ये है कि आप इन आंसर को अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करके अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन सेट में वही नंबर्स लिखे जाते हैं जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। और डेफिनेटली इस एक्सरसाइज के जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे आपके गिवन इक्वेशन, जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है, उसको सेटिस्फाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही है जी, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास है LX2। नहीं जी, ये बहुत ही एक जबरदस्त क्वेश्चन हमारे पास आ गया, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है। LX² + MX MX + N इज इक्वल टू 0। देखिए जी, ये बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपके सामने लिखूं तो AX² + BX + C इज इक्वल टू 0, तो आप कंपेयर करें तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ये हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को कैलकुलेट करके और उससे आप एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। -b + -√(b² - 4ac)² इस फॉर्मूले को हम डिराइव भी करेंगे, और इसका सॉल्यूशन भी कुछ इसी टाइप का आएगा, सिर्फ अल्फाबेट से चेंज हो जाएंगे, बाकी सॉल्यूशन कुछ इस तरह का ही होगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन के अंदर X² का कॉफिशियंट सबसे पहले हमने देखना है, अगर वो 1 के अलावा है तो पूरी इक्वेशन पे उस नंबर को डिवाइड कर दें। तो मैं क्या करता हूं, एल पे जब मैं डिवाइड करूंगा, X² + M/L (x+N/L) = 0। जीरो वाज समथिंग, जीरो होता है, जीरो को एल पे डिवाइड करेंगे आंसर फिर भी जीरो ही आएगा। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा X² + M/L (x = -N/L) कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट किया जिससे वो पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव में चेंज होगा, और लेफ्ट साइड पे एक्स का कोफिशिएंट लेंगे। मैं एक ही मेथड से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको ये मेथड अच्छे तरीके से याद हो जाए। एम ओवर एल को मल्टीप्लाई कर दे 1/2 के साथ, जो इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसको आपने क्या करना है, दोनों साइड पे ऐड कर देना स्क्वायर की फॉर्म, M/2L² (on both the sides)। ये आ गया X² + M/LX + M/2L² = (n/L + M/2L²). नहीं जी, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, X + M/2L² = -(n/L) और +M², ये हमारे पास एल था, M² / 4L² याद है। अच्छा, इसमें बेहतर ये है कि आप पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दें, नेगेटिव को बाद में लिख दें, तो एलसीएम लेते हुए मैं ऐसा काम कर लेता हूं, 4L² एलसीएम आ गया।
फोर एल स्क्वेयर को फोर एल स्क्वेयर पर डिवाइड करने से वन रहेगा, वन को ऊपर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिरेटर विल रिमेन एस। उसके बाद क्या करें, फोर एल स्क्वेयर को एल पे डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 4L, क्योंकि वन टाइम L कैंसिल हो जाएगा, 4L, 4L को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4LL, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया x m ओवर 2L होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट को रिमूव कर, स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं इसी स्टेप के अंदर, x प्लस m ओवर 2L इज इक्वल टू प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस फोर एल। और ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास प्लस माइनस के फॉर्म में स्क्वायर आ जाए, इंडिविजुअल इस तरीके से स्क्वायर आ जाए, तो आप उसको स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं कर सकते और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2L, क्योंकि 4L स्क्वायर को हम 2L होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो हमारे पास 2L आ जाएगा। और यहां पे चलें जी फाइनल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, x इज इक्वल टू 2m ओवर 2l को राइट साइड पे शिफ्ट करने से माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln, ये आ गया, और यहां पे डिवाइडेड बाय हमारे पास 2l था, ले जी ये आ गया। अब ये फाइनल सॉल्यूशन हमारा होगा 2l माइनस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4ln, ले जी ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, और इसको हम सॉल्यूशन सेट में भी लिख देते हैं। चले तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट, आप लिख दीजिए। ले जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक, इसी मेथड को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव हो जाएगा। उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज भी करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो एक बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। जब हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसी फॉर्मेशन में आ जाता है कि हम उसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को भी हम नहीं करना चाहते, तो तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए फिफ्थ पार्ट हमारे पास है जी, आज हम ऐसा कर लेते हैं कि फर्स्ट 5 पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो फिफ्थ 5 पार्ट्स है उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर चले डिस्कस कर लेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। 3x² प्लस 7x, 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। नहीं जी ये क्वेश्चन तो शॉर्ट में भी बहुत दफा आया हुआ है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। करना है क्या है आपने, सबसे पहला काम x² का कोफिशिएंट, आपने जो मैंने कंडीशन जो मैंने आपने आपको स्टार्ट में पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स से आपने बाहर नहीं निकलना। x² का कोफिशिएंट क्या है, 3, इसको आप होल इक्वेशन पे डिवाइड कर दें तो हम यहां पे लिख सकते हैं x² प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, यहां पे तो कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है इसलिए वो स्टेप यहां पे हमारा स्किप हो जाएगा। थर्ड स्टेप हमारा था कि एक्स का कोफिशिएंट लेना है 7/3 मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसको आपने ऐड कर देना। तो यहां पे हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, ये आ गया x² प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। अब की बार हमारे पास 0 कांस्टेंट है तो हम उसी में ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, और राइट साइड पे बहुत ही इजी 7/6 होल स्क्वायर ही रहने दें, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो एक ही स्टेप में एक ही झटके में ये कैंसिल हो गया। उसके बाद लेफ्ट साइड पे x प्लस 7/6 आ गया, राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ 7/6 आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया, x इज इक्वल टू 7/6 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस 7/6 और प्लस माइनस 7/6 आ जाएगा। एलसीएम चले जी अब इसकी पॉसिबिलिटीज बल्कि बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं पॉसिबिलिटीज। x इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस 7/6 प्लस 7/6, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी x इज इक्वल टू माइनस 7/6
माइनस सेवन ओवर सिक्स, यानी ये प्लस माइनस के साथ है। एक दफा आपने क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, एक दफा नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। तो यहां देखिए सेवन ओवर सिक्स से कैंसिल हो गया, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो। यहां से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आपको उसको एलसीएम से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करें, इसके न्यूमिनेटर को सिर्फ सॉल्व करें, माइनस सेवन मेक्स माइनस फोर्टीन ओवर सिक्स एंड डिवाइडेड बाय टू, और इसको टू को हम यहां पे डिवाइड करेंगे थ्री आ जाएगा, टू को यहां पे डिवाइड करेंगे सेवन आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ रही है माइनस सेवन ओवर थ्री। ये है जी हमारा फाइनल सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन को हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, माइनस सेवन ओवर थ्री इंटू जीरो, ये है जी हमारे पास सोल्यूशन सेट। तो बहुत ही एक इजी क्वेश्चन था जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया। शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन पे शॉर्ट क्वेश्चन जितना ही टाइम लगना चाहिए, इस वजह से मैंने इसमें चले आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है तो उसमें फिर अक्सर जो है ना वो स्टूडेंट ये भी शिकायत कर रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो इंशाल्लाह फिर उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आपकी हर बात का जवाब दूंगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट थ्री फिफ्थ फाइव पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।